गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट विद लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री. सो लास्ट टाइम डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री एंड द रेशियो ऑफ द एंगल्स, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोर थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. इन सब में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था जिस टाइम पर आप नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, पी बी पी ए जे एच एच पी. साइन थीटा रेशियो ऑफ साइन थीटा पी अपॉन में एच, रेशियो ऑफ कोस थीटा पी बी अपॉन में एच एंड रेशियो ऑफ टैन थीटा पी अपॉन में बी. तो कल आपने इसके बारे में डिस्कस किया और मैंने आपको जाते जो क्वेश्चन भी दिए थे मैंने वो अटेम्प्ट करने हैं, तो वो जो होमवर्क है मैं चेक कर लूँगा आपको उसके अंदर आ जाएगा. अपने अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया था, एग्जाम्पल नंबर टू देखिए. एग्जाम्पल नंबर टू है आपका 8.1 का. एग्जाम्पल नंबर टू क्या कहता है कि इफ टू एंगल है बी एंड क्यू, इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूएट एंगल, ठीक है, मतलब उन दोनों की जो वैल्यू है उस मानना है दो ट्राइंगल बना लेते हैं. यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ये दो ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल मैंने यहां पे अलग से दे रखा है पी क्यू आर. तो एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल. कौन से एंगल है? एक्यूट एंगल आपको दे रखे हैं. तो आपको बस इतना करना है, उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर देखो कि सच देयर साइन बी, साइन बी इक्वल है साइन क्यू, साइन बी इक्वल है साइन क्यू के. सो प्रूव दैट, सो प्रूव दैट, प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू. ये चीज मैं आपको प्रूव करता हूं. जब अपने किसी एंगल को इक्वल में प्रूव करते हैं, आपने नाइन्थ क्लास में थ्योरम्स वगैरह पढ़ी होगी, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ लास्ट क्लास का, कि जब अपने किसी एंगल को इक्वल प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले मुझे ये प्रूफ करना होता है कि वो जो दो ट्राइंगल हैं, वो जो दो ट्राइंगल हैं वो आपस में क्या है, सिमिलर है. अगर ये सिमिलर होंगे तो इनके एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वी है, क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास. मैं डायग्राम को साइड में बना लेता हूँ, थोड़े ईजी रहेगा आपको भी समझने में. मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बना दिया है, ए बी सी एक डायग्राम लिए, ठीक है, ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी रहे. वी है, क्या क्या चीजें हैं अपने पास एग्जाम्पल के दृष्टि से आपको दे रहे, आपको देखा है साइन बी जो है वो इक्वल है इसके साइन. अच्छा, ए जे रेशियो की बात करें, मैंने कल आपको बताया था पी बी पी एच एच बी, याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें मैंने आपको बताया था साइन थीटा की जो वैल्यू होता है या साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा इक्वल होता है पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस. अब मुझे मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, इस ट्रायंगल उसने देखा है साइन बी इक्वल है किसके, साइन क्यू के. अच्छा, साइन बी की वैल्यू क्या होगी, अगर ये आपका एंगल है तो आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, कैसे ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइट होगा. सेम कंडीशन, अगर यहाँ पे एंगल है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा. अब मैं रिपीट आता हूँ, साइन बी, साइन बी इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर क्या है आपका ए सी, हाइपोटेनस क्या है आपका ए बी, ए सी अपॉन में ए बी. सेम कंडीशन में इस साइन क्यू में लेके चलता हूँ, अगर मैं ये ट्राई में लेके चलता हूँ साइन क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो पी अपॉन में एच, तो बी ये आ गया आपका पी आई, तो पी क्यू अपॉन में, सॉरी पी आर है, पी क्यू आर है, पी आर अपॉन में पी क्यू. ये कंडीशन सबको समझ में आ गई क्या, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बोर्ड के. उसने कहा कि आपके पास B और Q दो एक्यूट
इक्विटी एंगल है? मैंने कहा हाँ जी सर ये दो इक्विटी एंगल है, मैंने बना लिया। अब मैं वो कहता है कि साइन बी जो है ना वो इक्वल है साइन क्यू के। भाई इसका जो साइन बी इसका जो रेशियो आएगा ना वो इस रेशियो के इक्वल है। मतलब अगर मैं यहाँ पे साइन बी का रेशियो निकालता हूँ, साइन की लिमिट क्या होती है पी अपॉन में एच, तो पी अपॉन में एच अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूँ ए सी अपॉन में ए बी, तो ये रेशियो इक्वल है किसके रेशियो के, साइन क्यू के रेशियो के, मतलब पी आर अपॉन में पी क्यू, ये रेशियो इक्वल है। अच्छा मैं इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं इधर ले जाता हूँ और इसको मैं इस साइड में ले जाता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ए सी अपॉन में पी आर इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी अपॉन में पी क्यू। अच्छा मैं जब कोई फिर रेशियो लेते भाई ए सी ये वाली वैल्यू ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर, ये पी आर है ए सी अपॉन में पी आर, इन दोनों का रेशियो इक्वल है किसके, ए बी अपॉन में पी क्यू, इन रेशियो ए बी अपॉन में पी क्यू इस रेशियो के इक्वल है। तो इनका जो रेशियो मैंने मान लिया कोई वैल्यू आती है कि इसका रेशियो क्या आता है, मान लिया कोई वैल्यू आती है कि, अब अपने इस चीज को आके ले सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि आपके अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो वैल्यू आती है कि अगर मैं इस ट्रायंगल पाइथागोरस क्या होता है टर्न का स्क्वायर, या मैं कहूं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है क्या बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मैं दोनों ट्रायंगल पे इस ट्रायंगल पे और इस ट्रायंगल पे दोनों पे मैं ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूं। मैं इस चीज को यहां पे लिख रहा हूं, पहले मैं इस ट्रायंगल फर्स्ट फिक फर्स्ट में आप लिखता हूं फिक, ये फर्स्ट फिक हो गई आपकी, ये फिक सेकंड हो गई, तो फिक फर्स्ट पे जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम आएगी तो मैं अब मैं इस पे अप्लाई करूं। तो देखो मैं अगर कहूंगा बी सी मतलब इसका रेशियो आ गया, इन दोनों का रेशियो आ गया, इन दोनों का रेशियो तो नहीं आया ना आपस में, तो मैं इस चीज को लेकर चलूंगा बी सी का स्क्वायर क्या होगा, बी सी का स्क्वायर क्या होगा, बी सी का स्क्वायर होगा देखो ये बेस है तो क्या हो जाता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस माइनस का परपेंडिकुलर, तो मेरे पास जो रेशियो बनेगा बी सी की जो वैल्यू बनेगी वो रूट के अंदर वो ये चीज बनेगी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्केयर माइनस ए सी का स्केयर, ए बी का स्केयर माइनस का ए सी का स्केयर। अब सेम कंडीशन मैं यहाँ पे फिर सेकंड के अंदर अप्लाई करता हूँ, फिर सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा कि क्यू आर का स्केयर, क्यू आर इक्वल टू रूट के अंदर आपकी वैल्यू हो जाएगी पी क्यू का स्केयर माइनस का पी आर का स्केयर, ये कंडीशन अप्लाई होगी। अब इनको देखो ये इसके रेशियो के इक्वल है, ये इसके लिए देखो AC अपॉन में PR, AB अपॉन में PQ, तो मैं अगर इस सेम कंडीशन के हिसाब से चलूंगा तो मैं क्या लिखूंगा CBC अपॉन में QR। मैं ये कंडीशन यहां पे अप्लाई कर रहा हूं एज ए फिग एज ए कंडीशन, मैं रेफर कर रहा हूं यहां से कि क्या बन जाएगा BC अपॉन में क्यू आर। अब बी सी की वैल्यू मैंने यहाँ से क्या निकाली, अभी मैंने निकाला था रूट में ए बी का स्क्वायर माइनस का ए सी का स्क्वायर अपॉन में, और नीचे इसकी वैल्यू क्या आई थी क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू क्या निकाली थी यहाँ से क्यू आर की वैल्यू क्यू पी का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये जो पाइथागोरस थ्योरम अपने निकाला इन दोनों को अप्लाई किया। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये कंडीशन देखना है ए बी का स्केयर, अगर मैं इस कंडीशन को लेके चलूं सिर्फ ए बी अपॉन में, अगर मैं इस चीज को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी के पी क्यू, किसकी वैल्यू आएगी सर ये ए बी की वैल्यू आ, तो मैं क्या ए बी की वैल्यू मैं इस वैल्यू में पुट कर सकता हूं, तो मैं जब वैल्यू पुट करूंगा ए बी की वैल्यू तो क्या बन जाएगी के का स्केयर पी क्यू का स्केयर, क्यों यहाँ पे के पी क्यू है लेकिन यहाँ पे ए बी का स्केयर है ना, तो इनका भी स्केयर हो जाएगा माइनस। सेम कंडीशन अगर मैं इस चीज को इस के इक्वल रखता हूँ, मतलब मैं रखता हूँ ए सी अपॉन में पी आर इक्वल में के, अगर मैं ए सी की वैल्यू निकालू तो इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए सी इक्वल टू क्या आ गया के पी आर, तो
AC की वैल्यू मैं इस पोजीशन पे यहां पे पुट कर दूं, पुट करूंगा तो मेरे पास क्या है, KPR है, यहां पे स्केल है, तो यह बन जाएगा K का स्केल PR का स्केल अपॉन में सेम कंडीशन यहां पे दी रखी है PQ का स्केल माइनस PR का स्केल। अच्छा K स्केल कॉमन आ गया, K स्केल बाहर आ जाएगा, कॉमन तो बाहर आ जाएगा, क्या रूट से बाहर आ जाएगा, K बन गया तो ये हो गया K और ये बन गया PQR का स्केल माइनस PR का स्केल और ये हो गया PQ का स्केल माइनस PR का स्केल रूट में। अब देखो ये दोनों वैल्यू एडजस्ट है तो आपस में क्या हो गए, कट हो गए, तो मेरे पास वैल्यू क्या बची सिर्फ K, ये K किसकी वैल्यू बची BC अपॉन में QR इक्वल टू K, मतलब ये देखो इनका जो रेशियो था, मेरी बात सुनना, इनका जो रेशियो था AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR इक्वल टू क्या था K, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में इसकी वैल्यू क्या थी K, अब मैं जब इसका रेशियो ले सकता हूं BC अपॉन में QR तो इसका रेशियो में क्या आता है K, तो मैं कह सकता हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं रख करके, मैं ये कह सकता हूं कि AC अपॉन में PR इक्वल है AB अपॉन में PQ इक्वल है BC अपॉन में QR इक्वल टू K, जब इन सब का रेशियो इक्वल है, जब इसका रेशियो उन सबका रेशियो इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल जो हैं तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, अगर सिमिलर है सो सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, सो एंगल B किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा किसके, एंगल UK, तो ये आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन था, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको समझना है, तो रिपीट करना है, दोबारा देखना है इसको, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, अपने दोबारा रिपीट कर लेंगे, लेकिन इसको अच्छे समझो, कॉन्सेप्ट है इजी है, बस वैल्यू पुट की गई है, वैल्यू निकाली गई है, पाइथागोरस को अप्लाई की गई है, रेशियो निकाला गया, सिंपल चीजें हैं, बस थोड़ा सा लेंथी है तो इसको करके जरूर देखें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक लास्ट कर लो, देख लो कि आपके पास ना एक ट्रायंगल दे रखा है, उसने बोला जांच सुनना, एग्जांपल नंबर 3, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, इन एग्जांपल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना आपकी बुक के, वो अपने आप करके देखने, नहीं होंगे तो मैं करवा दूंगा आपको बाद में, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रायंगल है ACB, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ACB, ACB, consider a triangle ACB, right angle HC, अब जो right angle है वो किस पे बना हुआ है, HC पे है, okay अपना सही है, उसके बाद वो कह रहा है कि which AB is 29, AB आपकी क्या है 29, okay, उसके बाद वो कह रहा है कि BC is 21 unit, BC is equal to 21 unit, okay, and angle ABC, angle ABC equal to theta, मतलब angle कौन सा B, ये क्या है आपका theta है, okay ये भी अपने बना दिया, तो वो कह रहे हैं determine the value, आपको question दे रखा है, पहला question है आपको value find करनी है, sin square theta plus cos square theta क्या होगा, first question है, और second question है इसके अंदर cos square theta minus sin square theta क्या होगा, ये दोनों value आपको put करनी है, चलो मैं इस question पे आता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके अंदर आपको रेशियो पहले तो मुझे बताओ PBPHHB के हिसाब से मेरे को क्या क्या वैल्यू चाहिए, एक चाहिए साइन, एक चाहिए कोस, रेशियो के हिसाब से बात करें तो P अपॉन में H, पहले मेरे पास देखो ये दो ही वैल्यू है, तीसरी वैल्यू नहीं है परपेंडिकुलर की, बाय द पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लो, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या वैल्यू आएगी, पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या वैल्यू आएगी पाइथागोरस से, के परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसके जो सॉल्व करने पे आपकी जो वैल्यू आएगी मैं बता देता हूँ, आपकी वैल्यू आएगी रूट में 400 इक्वल टू आ जाएगा 20, मतलब ये जो वैल्यू आएगी आपकी 20 है, ठीक है, आपने रूट में किया है पाइथागोरस तो सॉल्व कर ही लोगे आप, ठीक है, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन में एच, ये पी है, ये एच है, ये बी है, P upon match मतलब 20 upon में 20, ओके, अब वो बात करता है कि cos theta की वैल्यू क्या होगा, cos theta equal to क्या होगा, cos theta ratio B upon में H,
cos theta b upon में h, तो b upon में h मतलब 21 upon में 21। ये दोनों वैल्यू आ गई, बस ये दोनों वैल्यू अपने पास निकल चुकी है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, सबकी वैल्यू डिफाइन करनी है। लो कर लेते हैं अभी, ये लो यहाँ पे करना देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बात याद रखना, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, 1 आ रहा है। अगर ये 1 होता है, फार्मूला होता है, अब उसने अपनी वैल्यू पूछी इसकी क्या आएगी, इसकी आंसर 1 ही आएगा। अगर आपका 1 आंसर नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, तो आपकी जो ये वैल्यू निकाली है, ये दोनों वैल्यू आपकी गलत है। तो स्टार्ट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 20 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर। होल इसको सोल्व करो, सोल्व करने पे आपकी जो वैल्यू बनेगी 400, तो ये हो गया 400 अपॉन में 841, ये हो गया 441 अपॉन में इसका स्क्वायर हो गया 841। इसको सोल्व करूंगा तो 841 अपॉन में 841 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा, ऐसे 400 में 441 इक्वल टू आएगा 841 अपॉन में 841, सॉल्व किया क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया। इसी प्रकार आपको इसके अंदर सॉल्व करना है भाई, आपको वैल्यू उल्टी कर देनी है, 21 का स्क्वायर वो नीचे हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप मुझे कल बताओगे कितने। हालांकि बुक के अंदर एग्जांपल में ये किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपने आप करके देखोगे, बुक से नहीं करना, अपने आप कैलकुलेशन करनी है, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। तो ये एग्जांपल थे, और जो मैंने दोनों क्वेश्चन करवाए हैं, इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे रेशियो से हो, चाहे वैल्यू डिफाइन करने वाले हों, आप करके देखेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो अपने आगे उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।